ना, तो यहाँ पर लिस्ट बनकर रेडी हो गया। इधर बारिश भी सुनती नहीं है कि दरवाजे के पास बैठ जाती है, तो मेरे सिस ने संभाल लिया। अब हम लोग नाम लेकर हम लोग कटवा रहे हैं, मिल गया तो वही ले में गए बिकॉज क्या है सिंपल दिया बटरफ्लाई वाले क्ले चकते। यहाँ का मोमोज गाइस बहुत बहुत, एक बार बाहर निकले हैं तो ले, और खाने में तो ज्यादा ही था। जिप लॉक टेप देखने में अच्छा लग रहा, दिखने में कितने मजे के, सच में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मी एंड माय पेट। जैसा कि आप लोगों को वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि मेरी कैट का आने वाला है बर्थडे, तो वही हम लोग जा रहे थे शॉपिंग करने बिकॉज मेरी कैट्स का मेरी सिस्टर ड्रेस स्टिच करेगी। ड्रेस के लिए फैब्रिक वगैरह और डेकोरेशन का भी कुछ सामान लेना है, तो यहाँ पर लिस्ट बनकर रेडी हो गया है। तो बस जाने की तैयारी हो रही है, मैं और मेरी सिस जा रहे हैं। तो हमने बुर्का निकाल लिया बिकॉज ड्रेस चेंज करने का बिल्कुल ही मूड नहीं है, और बुर्का इजी पीजी हम लोग रेडी हुए हैं। और इधर बारिश भी शुरू हो गई, हमारा तो किस्मत ही खराब है, जाने के इतना मुश्किल से मूड बना और बारिश शुरू हो गई। बारिश में ना मुझे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, देखते कुछ देर इंतजार करके बारिश रुक जाएगा तो जाएंगे। खैर अल्लाह का शुक्र है कि बारिश रुक गई। मैं पहनने वाली थी व्हाइट सूट, उसे हटाया क्योंकि रोड पर कीचड़ वगैरह होगा, तो सैंडल पहन लिया और जो लिस्ट बनाया था वो डाला बैग में। और इसे देख लें, कीकी को पहले से दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई, हर जाने का देखती नहीं है कि दरवाजे के पास बैठ जाती है ताकि इसे बाहर निकलने का मौका मिल जाए। खैर कीकी को तो मेरी सिस ने संभाल लिया, अब हम लोग चल दिए शॉपिंग करने। बारिश में जाने का मन तो नहीं कर रहा था बिकॉज रोड पे वही कीचड़ वगैरह होगा, बट जाना भी जरूरी था बिकॉज मेरी कैट के लिए ड्रेस बना रहे हैं, तो उसके लिए फैब्रिक लेना था क्योंकि स्टिच भी करना है। खैर अल्लाह का नाम लेकर हम लोग चल दिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए शॉप पर। कलर तो हम लोग का पहले से डिसाइडेड है बिकॉज मेरी कैट गर्ल है, तो पिंक कलर हम लोग ने डिसाइड किया था बिकॉज मेरी कैट व्हाइट कलर की है, तो उसमें पिंक कलर बहुत क्यूट लगेगा। तो ये नेट का फैब्रिक आधा मीटर कटवा रहे हैं, हम लोग को लाइट थोड़ा पिंक चाहिए था, खैर नहीं मिला तो यही ले लिए। और यहाँ पर भैया दूसरे मटेरियल में भी ढूंढ रहे पिंक कलर, क्योंकि वो भी चाहिए। ये जिस मटेरियल में हम लोगों को पिंक कलर चाहिए था ना, वो नहीं मिला, दूसरे मटेरियल में हमें पिंक कलर मिल गया तो वही ले लिया। फैब्रिक लेने के बाद हम लोग दूसरे शॉप में गए बिकॉज स्टिचिंग करना है, तो धागा और लेस वगैरह जो भी है वो सब लेना था। तो ये लेस हम लोग ने चूज किया है, सिंपल भी है और पिंक कलर पे भी अच्छा लगेगा सिल्वर। खैर ड्रेस से रिलेटेड सारा सामान ले लिया है, यहाँ पर लिस्ट देख रहे थे कि और क्या लेना है, तो अब डेकोरेशन में आ गए। हमें यहाँ पर दिख गया था पाइनएप्पल, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, फ्रेश भी, तो और बहुत दिन भी हो गए पाइनएप्पल खाए हुए, तो मैं और मेरी आपी ने पाइनएप्पल लिया। भैया ने ये एक प्लेट 20 रुपीस का दिया, खाने में तो खैर बहुत मीठा था, टेस्टी भी था। नज़र पड़ी इस स्टॉल पर, यहाँ पर क्यूट से बटरफ्लाई वाले क्लेचर थे, तो मुझे बहुत इस तरह की चीज़ें अच्छे लगते हैं, तो मैंने एक क्लेचर अपने लिए ले लिया। फिर हम लोग लेने आ गए मोमोज बिकॉज इस तरफ आए ही थे, यहाँ का मोमोज ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ का मोमोज गाइस बहुत बहुत यम रहता है, तो हम लोग मोमोज पैक करवा लिया। फिर हम लोग आ गए यहाँ पर डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ सामान लेने बिकॉज एक बार बाहर निकले हैं तो ले ही लेते हैं। घर आते आते ना हमें ये देखा बेसन का लड्डू, और हमें बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, तो वो भी पैक करवा लिया। खैर सारा सामान लेकर हम लोग पहुंच गए घर। घर आते के सबसे पहले हम लोगों ने खाया मोमोज क्योंकि बहुत जोर की भूख भी लग रही थी, और मोमोज देखकर कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। सो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं बिकॉज अब कंट्रोल नहीं हो रहा, दिखने में भी बहुत टेम्पटिंग है और खाने में तो कसम से गाइस बहुत ज्यादा ही यम था। गाइस यहाँ पर मेरी से सामान निकाल रही थी जो भी आज हम लोगों ने परचेज किया था। सो गाइस दिस इज माई फर्स्ट लॉन्ग वीडियो, अगर मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे जरूर सही करूंगी। तो ये था ड्रेस के लिए फैब्रिक, हम लोगों को रसना दिख गया था वो भी लिया क्योंकि हम लोग के घर की तरफ मिलता ही नहीं है, और ये सब ड्रेस से रिलेटेड सामान सब थे, फैब्रिक लेस जिप लॉक टेप थ्रेड, और ये सब डेकोरेशन से रिलेटेड सामान था, बलून, ये क्यूट से बटरफ्लाई वाले क्लेचर भी लिए थे। तो रास्ते में हम लोग को ये केक भी दिखा था तो वो भी लिया था, दिखने में अच्छा लग रहा था तो सोचा ट्राई कर लेते हैं। एंड ये रहा बेसन के लड्डू और डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ सामान था, कैंडल वगैरह। ये देखें बेसन के लड्डू दिखने में कितने मज़े के लग रहे हैं, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, और खाने में भी ना सच में बहुत नियम था, मज़ा आ गया। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।